कुलमंडा फ्लावर है, बहुत खूबसूरत पेड़ देखिए ये होता है, इसका फूल कई कलर्स में आता है। इसको आप तो लगा सकते हैं गमले में, येलो भी होता है, बैगनी भी होता है, एक गोल्डन कलर का भी होता है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है अलमंडा फ्लावर, वाइट हिबिस्कस, बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल। वाइट कलर का कनेर फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और दोस्तों कनेर पीला भी होता है और हमारे घर में लाल रंग का भी कनेर लगा है, ये ऑरेंज कलर का होता है, तो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये कलर भी मेरे यहाँ लगा है जो ऑरेंज कलर टाइप का है, इसे रेड कनेर भी लोग बोलते हैं। ये दुर्गा माँ को बहुत ही प्रिय बताया जाता है, इससे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तथा पीले रंग का कनेर भगवान नारायण विष्णु को प्रिय बताया गया है। अगर कोई पीले कनेर से नारायण की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, हरि की, राम की, तो विशेष उनको ये प्रिय फूल कहा गया है उनके लिए। तथा महादेव की बात करें तो महादेव को सफ़ेद रंग का कनेर बहुत ही उनको पसंद है, प्रिय उनका जो फूल है वो सफ़ेद रंग का कनेर है। तो आप भी चाहें तो अपने घर में सफ़ेद रंग का कनेर महादेव की प्रसन्नता के लिए लगा सकते हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और ये महादेव का प्रिय पौधा माना गया है। तो आप भी अपने घर में लगाएं, महादेव को प्रसन्न करें, महादेव आप सभी पर कृपा करें। अलमंडा फ्लावर है, बहुत खूबसूरत पेड़ देखिए होता है, इसका फूल कई कलर्स में आता है। इसको आप तो लगा सकते हैं गमले में, येलो भी होता है, बैगनी भी होता है, एक गोल्डन कलर का भी होता है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है अलमंडा फ्लावर। वाइट हिबिस्कस, बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल।